वेलकम टू BSE बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो मैथ की बुक निकाले उसी मैथ बुक में से आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारी का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। जब कोई व्यक्ति एवरेज स्पीड है, जब यहाँ ए से बी तक जाना है और फिर वापस आना है, जैसे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy/x + y। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy/x + y। यानी एक व्यक्ति का विद्यालय घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, यानी 2x के जगह पे यहाँ कितना है 20 मल्टीप्लाई कितना से वापस आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ रहा है, 30 / x + y। यानी 30 + 20 कितना हो जाएगा 50। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 6 मतलब 6 × 12 = 24। यानी 24 किलोमीटर उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना 24। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा। रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है और इसकी विपरीत दिशा में एक आदमी का चाल दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी और उस आदमी के बीच में आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, यानी मान लीजिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जब अपोजिट जाएगा तो दोनों का जोड़ देंगे, यानी 84 + 6 ये क्या दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, 84 और 6 हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में हमको चाहिए क्योंकि लंबाई मीटर में, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये किलोमीटर बड़ा है यानी छोटा वाला से क्या एक डिजिट होता है 5/18, किलोमीटर बड़ा है इसलिए छोटा 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। कितना 18 × 25 = 90 और 50 × 25 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो दूरी कितना, दूरी निकालना है यानी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो स्पीड कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड गुने समय कितना दिया गया 4 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, 25 × 100 यानी 100 मीटर इसकी क्या होगी, लंबाई हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी यानी 100 मीटर। नेक्स्ट, एक कार की गति 16.2/3 मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर क्या है, बड़ा है, तो इसको 5/18 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। अगर यही मीटर प्रति सेकेंड होता यानी मीटर प्रति सेकेंड यानी ये मीटर छोटा है, तो छोटा है तो बड़ा वाला ऊपर में रखेंगे, छोटा वाला नीचे में रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, अब दिया गया 16.2/3 का मतलब कितना होता है, 16 / 32 = 16 = 49 = 50 यानी 50/3 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक, अब मीटर प्रति सेकेंड को हमको क्या चीज़ में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मीटर छोटा है तो बड़ा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा यानी 18/5 से, जब 5 से 50 कट जाएगा 10 मरते, 3 से 18 कितना मरते, 6 मरते, 6 × 18 यानी 16
किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरा करता है तथा समान दूरी वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी तय करता है। तो नदी में धारा की गति ज्ञात कीजिए। किसका गति ज्ञात करना है? धारा की गति ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति नदी में धारा की गति ज्ञात कीजिए, किसी दोनों में से किसी का गति हमको अभी दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ नहीं है तो मान लीजिए, माना धारा की गति, धारा की गति एक्स, एक्स तो बोट यानी नाव की गति वाई मान लो, मान लिया वाई। अब क्या कर रहा है, मान लिए धारा की गति वाई मान ली, नाव की गति एक्स, क्योंकि घटाने में एक्स माइनस वाई हम लोग ज़्यादा शुरू से करते हुए आ रहे इसलिए आसान होगा। एक व्यक्ति नदी की धारा के दिशा में जाएगा, जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। वह 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरा करता है। तो दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करता है? 10 मिनट में तय करता है। क्लियर? 10 मिनट में तय करता है। अब क्या कर रहा है, यदि वह धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी, समान दूरी 30 मिनट में तय करता है। वही दूरी 1 किलोमीटर की दूरी है, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा की चाल घट जाएगा, किससे? नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। तो वह दूरी 30 मिनट में तय करता है। कितना? 30 मिनट में। क्लियर? 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में वहाँ तय कर रहा था और यहाँ 30 मिनट में तय करेगा। क्लियर है? अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा ये किलोमीटर में दिया गया है, यहाँ 1 किलोमीटर में दिया गया है और इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में माने थे, ठीक। ये दिया गया आपको क्या चाहिए, मिनट में, मिनट में, और ये भी मिनट में दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, इसको घंटा से किलोमीटर, किलोमीटर कट गया, ये आवर नीचे है, ठीक है, तो घंटा ऊपर चला जाएगा, यानी एच आवर यानी एच घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट से मिनट से मिनट कट जाए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6 आ गया। अब देखिए, अब इसमें इसको भी क्या करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये घंटा ऊपर चला जाएगा, यानी 60 मिनट बराबर एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 30 मिनट, 30 मिनट, देखिए मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 × 6 = 2 आ गया, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब देखिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया 6, हमसे पूछ क्या रहा है, तो नदी में धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा हम लोग क्या माने, y ज्ञात करना है, जो निकालना है उसको ही सॉल्व करेंगे। देखिए, y निकालना है, दोनों साइन अपोजिट है, तो y कट जाता, लेकिन हमने क्या किया, इसमें माइनस कर दीजिए, यानी इसको घटा दिए, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, x से x कट जाएगा, माइनस वाई जुटेगा तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस सिक्स और प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। जब 4/2 होगा तो यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाई का वैल्यू हो जाएगा। वाई यानी क्या चीज, धारा का वैल्यू, धारा की गति कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इतना जो कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको आप आसानी से समझिएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। कैसे हमने सॉल्व किया, एक बार और देख लीजिए आसानी से, क्या किए हैं, देखिए हम लोग ने क्या किया, इसको एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। अगर मिनट को घंटा में बदल दीजिए तो भी आसान है, मिनट को घंटा में बदल देने से ही आसान हो, 10 मिनट बराबर कितना हो जाता, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट बराबर कितना हो जाए, 1/60 घंटा, 1 मिनट बराबर 10 मिनट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10 से इधर भी 10 से, यानी 10 मिनट बराबर हो गया आपको 1/6 घंटा, 6 आवर,
यहाँ भी 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट बराबर 30/60, इससे इकड़े यानी 1/2 घंटा यानी आधा घंटा। 30 मिनट की जगह हाफ आवर लिख सकते हैं और 10 मिनट की जगह 1/6 घंटा लिख सकते हैं, ठीक, 1/6 आवर। अब कोई इसमें चेंजिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं हुआ। धारा की गति हम लोग क्या मानते हैं, नाव का माने थे एक्स और धारा का माने थे वाई, ठीक। अब देखिए, अब वही 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 1 किलोमीटर की दूरी जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों जुट जाएगा यानी एक्स प्लस वाई। समय कितना लेगा, 1/6 घंटा लेगा, यानी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए, यह क्योंकि किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है इसमें चेंजिंग करना। पहला इक्वेशन क्लियर हो गया। दूसरा क्या किए, 1 किलोमीटर के दूरी तय करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा, नाव में से धारा की चाल को घटा लेंगे। अब कितना आ रहा है, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, या जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर कट जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी किलोमीटर का अभी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं इसको, यानी एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, यानी हमको क्या पता है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों की जगह क्या पुट करें कि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए, तो वाई की जगह अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो एक्स की जगह कितना होगा 4, तो 4 + 2 6, और एक्स की जगह यहाँ 4 रखे और यहाँ पे वाई की जगह 2 रखे, दोनों का डिफरेंस निकाले तो 2 आ गया। यानी क्या पता चल गया, नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट, नदी में धारा की वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लगता है, शांत जल में नाविक का वेग ज्ञात कीजिए, यानी नाव की चाल ज्ञात करना है। किसका, नाव की चाल शांत जल में कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए, 10 किलोमीटर पर जाना है, मान लीजिए नाव की चाल एक से, नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल वाई है, नाव का चाल दिया मान लेते हैं एक्स, तो धारा की चाल तो वाई दिया ही, धारा की गति 2 किलोमीटर दिया गया। अगर 10 किलोमीटर जाएगा, धारा की अगर दिशा में जाएगा तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा यानी एक्स प्लस 2, और वापस आता है जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा, वापस आएगा तो एक्स माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 55 मिनट। 55 मिनट को हमको क्या करना, या तो मिनट को क्या चीज़ में बदल दीजिए, घंटा में बदल दीजिए, आसान हो जाएगा। 55 मिनट पर 55/60 घंटा, यानी अब इसको किसी में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। अब देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, 10 कॉमन ले लेते हैं, यानी एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना है 55/60, ठीक। ये देखिए, प्लस 2 माइनस 2 कर गया, यानी 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x या 10 से मल्टीप्लाई यहीं कर दो, यानी 10 20x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना आ गया 55/60। इसको 5 से काट देते 11 55 और 12 25 60, ठीक। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको करीब नाविक का हमको क्या करना है, नाव की चाल ज्ञात कीजिए, नाविक यानी नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, 12 से 20 में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 24, 240x बराबर 11x² माइनस 44, 11x² माइनस 44। जब इसको एक तरफ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11x² माइनस 240x माइनस 44 बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको किस तरह से तोड़े मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 244 यानी 484 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे 240 आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे किस इक्वेशन में, 242 में तोड़ा जाएगा, तो यह आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, तो आपको आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो हमको इतना सॉल्व नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग, इतना सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग ने क्या किया, यहाँ तो आ गया 22
कितना आ गया 11/60 था तो यानी कट गया 11, और नीचे आ गया आपको कितना 12, क्योंकि 5 से काटे 11/12। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑप्शन को पुट करने का कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन 20 को पुट करेंगे तो 20 का स्क्वायर 20 से कम्प्लीट होगा। जब ऑप्शन 22 को पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन कम्प्लीट सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, 20 गुने 22, 20 का स्क्वायर होता है 484, 484 माइनस 4 बराबर 11/12 आना चाहिए, यही ना। जब इस घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 480, ठीक। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, इस दो से काट देंगे, 2 × 4, 4 × 8, ठीक। 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 × 22 और 12 × 24, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंच जाता, तो उसकी कार्यालय की दूरी क्या होगा, कार्यालय का दूरी चाहिए। तो दूरी ज्ञात करने के पहले हम एक्चुअल टाइम देखते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही ना होता है। यानी एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम के बारे में देखिए, जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय, दूरी मान लेते डिस्टेंस डी है, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो यही उसका समय लगता, लेकिन वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 10 मिनट और समय ले लेता तो एक्चुअल टाइम पर वह पहुँच जाता कार्यालय, देरी से पहुँच रहा है यानी उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वह एक्स्ट्रा अगर वह कम कर लेता, 10 मिनट नहीं लगाता तो वह एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता। 10 मिनट वह अगर यूज नहीं करता तो एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता, यानी 10 मिनट उसको क्या चलना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस 10 मिनट उसको घटा लेंगे तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा। फिर देखिए, वही दूरी अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 5 मिनट पूर्व पहुंच जाता, यानी 5 मिनट पहले आ गया। अगर वह 5 मिनट और ले लेता तो एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता तो एक्चुअल टाइम पूर्व जहां भी कहे वहां प्लस कर दीजिए। और अगर क्या कहे, अपने कार्यालय देरी से कहा कहे तो इसमें माइनस कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए, D/4 माइनस D/5 डिवाइड बाय 10 माइनस में तो इधर चला जाएगा 10 + 5, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो D/20 बराबर कितना 15, यानी D बराबर कितना 15 × 30, 5 × 20, D बराबर कितना 15 × 30, यानी 30 किलोमीटर की दूरी है। कितना D बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 30 किलोमीटर की दूरी प्राप्त हो गया, 30 किलोमीटर। यानी एक मिनट, यह 5 क्या मिनट में है, यह मिनट में है ना, 5 मिनट यहाँ 10 मिनट ये मिनट में, तो इसको हमको क्या करें, घंटा में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट इसको 60 से डिवाइड करते हैं, घंटा में बदल गया, 20 × 40, 20 × 60, 3, यानी 15 × 4, 4 ना आ जाता, 1 मिनट देखिए, यहाँ क्या किया हम लोग ने, D/4 माइनस D/5 कर दिया, और इधर जब ऐड किए तो कितना आ गया, 15 आ गया, 15 को मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के 60 से डिवाइड किए, 60 से जब डिवाइड किए तो 15 × 60 1/4 आ गया। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जब इसको क्रॉस मल्टी, इसको LCM लिए तो यहाँ 20 और ऊपर कितना 5D में से 4D घट गया तो 1D बचेगा, यानी D/20 बराबर कितना आ गया, 1/4, 1/D क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 20/4, 20/4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी 5 किलोमीटर की दूरी आ गया। यानी ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन बी, यानी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन, अपोजिट दिशा में चल रहा है दो ट्रेन, एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर सकती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यदि ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोनों का क्या दिया गया, स्पीड दिया गया, कितना 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोनों रेलगाड़ी अपना चल रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई है, एगो का लंबाई दिया गया 150, तो दूसरा का लंबाई मान लेते एक से, ठीक। समय पर आप क्या होता है, दूरी बटा चाल। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी 50 और 70 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ गया, ठीक है। यह जब डिवाइड करें मीटर को, यह लंबाई क्या चीज़ में दिया गया है, मीटर में, इतना मीटर में, यह लंबाई मीटर में दिया गया, ठीक। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ टाइम दिया गया 7.5 सेकेंड दिया गया है, क्या, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किसे किलोमीटर बड़ा है यानी छोटा वाला 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6 × 18, 6 × 12 यानी 20, यानी 3, यानी 5 × 2 = 100/3 कितना आ गया। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 150 प्लस x डिवाइड बाय 100/3, ठीक। और यहाँ कितना, 7.5, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 3 डिवाइड में तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 × 75 450 प्लस 3x बराबर कितना आ जाएगा, 750। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 750 में से 450 को जब डिवाइड घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 = 4 × 3 = 300। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। यानी x हम लोग क्या माने थे, वह ट्रेन की लंबाई माने, दूसरी ट्रेन की लंबाई माने थे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा है और 170 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो को प्लेटफॉर्म है, कितना, दो प्लेटफॉर्म दिया गया है अलग अलग, ठीक, जिसको क्रमशः 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो स्पीड दोनों स्थिति में स्पीड आपस में बराबर होगा। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एंस अपॉन टाइम, यही ना होता है स्पीड बराबर। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो एक रेलगाड़ी की लंबाई अपना एक्स और उसको तय करता है कितना, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 12 सेकेंड, ठीक। फिर वही एक्स लंबाई का और 170 मीटर लंबे दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने में लेता है 16 सेकेंड, ठीक। एक्स हम लोग क्या चीज माने, मीटर में माने, ऐसा अभी कन्वर्ट चेंज करने का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। क्या करिए, 4 × 4 = 12, 4 × 16। जब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x बराबर 12 × 4 = 48 + 37 = 51 510। 3x + 510, 3x 4x में घट जाएगा तो एगो x होगा और ये प्लस में, तो इधर माइनस में 0, 9, 10, 11, 3 यानी x बराबर कितना आ गया, 30। x हम लोग क्या माने थे, x हम लोग माने थे क्या चीज, एक दूसरी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग माने थे, क्या माने थे, रेलगाड़ी की, रेल गाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग ने क्या माना था, x, ठीक। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, चाल निकालने कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग को क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे हम 30 प्लस 120 डिवाइड बाय 12, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 115 यानी 150/12, 150/12 3 से काट देते, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 4 यानी 2 से काट देते, 25 × 50 और 2 × 4 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है और इतना किलोमीटर प्रति घंटा, आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे एक घंटा कम लगता। अगर वे एक किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक लगते। मनुष्य द्वारा चली गई दूरी क्या होगा,
अगर वही दूरी अगर आधा किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज चलता तो वह दूरी? ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्पीड निकालना होगा। स्पीड स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए m इंटू एन इंटू टी वन प्लस माइनस टी टू डिवाइड बाय एम टी टू माइनस एन टी वन। ये क्या लिख दिया मैंने, इसको समझिए। यहाँ m इंटू एन आपको क्या हो गया, m इंटू एन हो गया आपको प्रति किलोमीटर घंटा की गति से तेज चलता है। जो स्पीड जिसमें स्पीड में चेंजिंग जो आ रहा है एम और एन दिया गया, स्पीड में जो जो चेंजिंग आ रहा है, अगर वह आधा किलोमीटर प्रति घंटा गति से तेज चलता और यहाँ क्या दिया है एक किलोमीटर प्रति घंटा गति से धीमा चलता। एम है तेज चलने वाला और एन हो गया धीमी चलने वाला, तो एम की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे एक बटा दो इंटू एन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे वन, ठीक, मल्टीप्लाई टी वन माइनस टी टू यानी टाइम का डिफरेंस। वह तेज चलता तो उसे एक घंटा कम लगता है, यहाँ एक घंटा कम लगता, ठीक, और वह तीन घंटा अधिक लग रहा है प्लस तीन घंटा अधिक, तो एक घंटा कम और तीन घंटा अधिक दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया चार घंटा, कितना हो गया चार, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया चार, तो यही यहाँ पे चार लिखा गया, ठीक, डिवाइड बाय। अब देखिए एम इंटू टी टू, एम यानी शुरू वाला का स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई टाइम टी टू यानी तीन घंटा अधिक लगता है यानी वन बाई टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस एन, एन कितना दिया गया दूसरा वाला का स्पीड यानी एक मल्टीप्लाई पहला वाला का क्या है टाइम, तो पहला वाला का टाइम कितना वन, एक किलोमीटर प्रति घंटा कम लेता है यानी मल्टीप्लाई वन। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा दो से चार कट गया दो यानी ऊपर आपको आ गया दो, नीचे कितना आ जाएगा थ्री डिवाइड बाई टू यानी दो दुना चार और तीन में से दो गया एक यानी चार किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ क्या आ गया आपको स्पीड आ गया। अब हमको स्पीड नहीं निकालना, निकालना क्या है यहाँ पे हमको निकालना मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक। अगर वह एक्चुअल डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, डिस्टेंस डी है, तो उसको समय एक्चुअल टाइम क्या होता है एक्चुअल टाइम क्या होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही एक्चुअल टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर डी है, अगर एक्चुअल यहाँ स्पीड निकाले चार किलोमीटर प्रति घंटा यानी डिस्टेंस में अगर स्पीड से डिवाइड किए तो टाइम निकल गया। लेकिन अगर कोई एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए नीचे वाला लेते, यदि वह एक किलोमीटर प्रति घंटा गति से धीरा चलता यानी पहले चार चल रहा था अब क्या कर रहा है एक किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम चलता है यानी अब तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना है, वही डिस्टेंस को अब तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करना है। तो जब तय करेंगे तो उसको क्या होगा धीरे चलता तो उसको तीन घंटा अधिक लगता यानी एक्चुअल टाइम से तीन घंटा इसको और एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर, अब बराबर हो गया। अब यहाँ से डी निकल जाएगा डी बाई फोर माइनस डी बाई थ्री बराबर कितना आ जाएगा थ्री। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा डी बटा बारह बराबर तीन, तो डी बराबर कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बारह चौ बारह छत्तीस यानी 36 किलोमीटर की दूरी आ जाएगा यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की दो मोमबत्ती है, क्या गो मोमबत्ती है दो गो, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है जबकि पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलता है यानी मोटा वाला जो है 6 घंटा जल रहा है अब पतला वाला क्या कह रहा है कि 2 घंटा कम जलता है यानी पतला वाला 4 घंटा जलता है। क्लियर, रमेश ने दोनों मोमबत्ती एक साथ जलाया, जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है, मोटा वाला क्या है दुगना लंबा है किससे पतला वाला से, तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, देखिए हम लोग क्या करते इसमें स्पीड निकाल लेते हैं यानी उसका किस रेशियो में वह मोमबत्ती जल रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है कोई चीज़ कितना तेज चल रहा है यही ना, तो हमको स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस, इसमें दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड टी, स्पीड बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है दोनों की लंबाई बराबर है
एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई, एक ही लंबाई, दोनों का एक ही लंबाई है, ठीक है, एक ही लंबाई है। तो कोई ऐसा इक्वेशन ले जो इस छः और चार दोनों से कट जाए, तो छः और चार से कटने वाली लंबाई अगर हम लोग 12 मान लेते कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वह लंबाई अगर 12 है, ठीक, तो इस 12 टाइम कितना, मोटा वाला का बात कर रहे हैं हम लोग, मोटा वाला का स्पीड कितना है 6 टाइम 6, यानी 6 दुना 12, यानी 2 मीटर 2 किलोमीटर या 2 मीटर 25 सेकंड के स्पीड से, 2 किलोमीटर 25 घंटा के स्पीड से क्या होता है, जल रहा है मोटा वाला। यही पतला वाला का बात करते हैं, तो कितना 12 है 4, यानी 4 से 12 3 किलोमीटर 25 घंटा की गति से क्या होगा, पतला वाला जल रहा है। यह बात क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है, जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है, यानी लंबाई दिया गया है जब जलाया। पहला देखिए, इसकी लंबाई पहला वाला का भी 12 है, दूसरा वाला का भी 12 है, ठीक, दोनों एक साथ जला। जलने का मतलब टी टाइम टी स्पीड का रेशियो कितना दिया, 2। पहला मोटा वाला अगर 2 के स्पीड से जल रहा है तो 2T इतना जल जाएगा, और पतला वाला कितना 3 का जल रहा है तो 3T, ठीक। जब गया सोने गया तो इसने क्या देखा, इसकी लंबाई क्या है, मोटा वाला की लंबाई मोटी मोमबत्ती की, मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगना लंबा है, पतला वाला से दोगुना लंबा है, कौन, मोटा वाला। तो मोटा वाला कौन है, ये पतला वाला, ये इससे ये दोगुना लंबा है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पतला वाला में, तो दोनों का लंबाई बराबर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 - 2T बराबर 12 × 24 - 3 × 6T, यानी 6T इधर आ जाएगा तो 40, 12 इधर चल जाएगा घट जाएगा, यानी 12, यानी टी बराबर हो जाएगा 4 से 12T, यानी 3 घंटे पहले उसने जलाया था। कितना घंटा, 3 घंटे पहले, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, रेल 2.5 घंटे तक, फिर 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो रेल इन 4 घंटे में कितनी दूरी तय की। 2.5 घंटा पहला क्या करता है, 2.5 घंटा तक चल रहा है, तो 2.5 घंटा का मतलब क्या होता है, 2 पूर्णांक 1/2, इसी को तो 2.5 कहते हैं ना, 2.5 घंटा, और फिर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब कितना होता है, 1 पूर्णांक 1/2। अब देखिए पहला कितना चलता है, 50 के एवरेज से चला है, ये वाला दूरी 50 के एवरेज से तय करता है, 50 के, ठीक, और ये वाला दूरी कितना का, 70 का, ठीक। अब देखिए 50 का एवरेज से 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 2 घंटा में 50 की एवरेज से 50 × 2, ठीक, प्लस 1/2 घंटा में कितना दूरी कर लेगा, 50 × 1/2, प्लस अब देखिए 70 का स्पीड से 1 घंटा में कितना दूरी कर लेगा, 70 × 1, प्लस 70 के 1/2 घंटा में कितना, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, जब 5 × 2 100, प्लस 50 = 25, प्लस 70, प्लस 35, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाए, 5 × 5 = 10 के शून्य हासिल 1 × 7 = 10 12 × 13 = 3 हासिल 1 × 1 = 2, यानी 230 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने पूरी 4 घंटा में तय किया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरती है, एक पुल जो 400 मीटर लंबे उससे गुजरता है, यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तो था उस पुल पार करने में 20 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन की लंबाई 400 मीटर लंबी एक पुल को पार करना है, ठीक है, यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक, कितना समय लेता है, 20 सेकंड लेता है, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 400 = 3 × 6 = 600, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 600 - 400 = 200, यानी 200 मीटर प्रति सेकेंड, 200 मीटर क्या हो जाएगा, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, 200 मीटर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, 200 मीटर। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कुछ 8 सेकेंड में पूरा गुजर होता है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या, तेज गति से चलने वाली एक जब क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में चल रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी स्पीड क्या होगा दोनों का जुट जाएगा, यानी 36 है प्लस 45, ठीक। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो समय कितना लेता है, 8 सेकेंड ले रहा है। ये देखिए, यह हमको क्या चाहिए, मीटर में चाहिए, ये x मीटर दिया है, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। x 45 में जब 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 11, 1, 4, 3, 7, 81 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर बड़ा है यानी छोटा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8। जब x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 81 × 5 × 5 / 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 81, 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 5 × 20 = 20, 9 × 9 = 180, 9 × 2 = 18 यानी 180 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSE बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।